शादी। मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, हलवाइयों और कसाइयों तथा बाल बनाने वाले नाइयों, आप लोगों से गुजारिश है, भैया जो आप लोग टटिया बनाते खड़े हैं, ये टटिया गिराते बैठ जाए, महान कृपा होगी। और ना बैठे तो जहां जहां खड़े हैं वही थोड़ा थोड़ा निहुर जाए, ताकि कुछ लोग भैया पीछे देख रहे हैं उनको दिखाई नहीं पड़ता। इधर वालों राम राम, इधर वालों राम राम, और इधर वालों जहन नमस्कारम नमस्कारम अस्सलाम वालेकुम। बीच वाले तुम बीचे बीच में धरे रहो, हम लोगों का एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। वही छाए हुए नाम बार बार धूम मचाने के लिए हमारे यम जी जख्मी हमारे भाई साहब के लिए। दोस्तों आज तो ऐसा लग रहा है, आज तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आप लोग बहुत तुम्हारे महान देवता के दर्शन करने आए हैं। बताने वालों ने बताया और कहने वालों ने कहा कि भांग मांगे मीठा, भांग मांगे मीठा, गांजा मांगे घ्यू और दारू मांगे जूता चप्पल सोच समझ के। कहते हैं बादल चढ़े हैं तो बरसात जरूर होगी, बादल चढ़े हैं तो बरसात जरूर होगी, और दादा हुई है हमारी और तुम्हारी मुलाकात तो सुहाग रात जरूर होगी। क्योंकि मैंने तुमको दिल दिया, मैंने तुमको दिल दिया महबूबा समझ कर, और दादा तुम खा गए खरबूजा समझ कर। बुढ़ौला तोहरे का हाल है, दादा चश्मा वाले ऐसा पान खा है जैसे आषाढ़ में गदहा जामुन खाए। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग इसी तरीके से शांति का सहयोग बना रखेंगे तो बहुत आनंद आएगा, बहुत मजा आएगा। क्योंकि आप लोग आए हैं भैया नीक नीक रजाई करता है, नीक नीक खटिया चश्मा वाले दादा करके आए हैं। किसके लिए चश्मा वाले दादा, किसके लिए? इनके लिए, यानी हमारे लिए। और आप लोग आए हैं तो शांति का सहयोग देंगे तो बहुत आनंद आएगा, क्योंकि आप लोग आए हैं कुछ लेने के लिए और हम लोग आए हैं कुछ देने के लिए। महफिल में थ्रोम मचाते भाई हमारे यमजी जख्मी, यमजी जख्मी तुम्हें लगा कि आयुर्वेदी पुरस्कार हमारे यमजी जख्मी के हाथों का कहना क्या? लाख लाख शुक्रिया हो। कहने वालों ने कहा, कहने वालों ने कहा मुझे अठारह लूटा पौवा में कहा दम था, मुझे अठारह लूटा पौवा में कहा दम था, मेरी बोतल वहां फूटी जहां ठेका बंद था। दोस्तों हंसने हंसाने की बात नहीं, रात भर हम लोग आप लोगों को हंसाते रहेंगे। सोनई सोनई यादव जहां पर हो भैया परेशान है, आकर के मिले, लाख लाख शुक्रिया, धन्यवाद। चल दोस्तों समय कम है और काम बहुत ज्यादा है, तो लीजिए आप लोगों के बीच में चलते चलते एक गाना है, उसके बाद पार्टी का प्रोग्राम देखें। दोस्तों आप लोग जानते हैं और समझदार हैं, क्योंकि आजकल फिल्मी दुनिया वाले तो पीछे हो गए, अब भोजपुरी वाले तहलका मचा दिया, भोजपुरी वाले ऐसे ऐसे डाला गा दिया, ऐसे ऐसे सीन दिखा दिया, ऐसे ऐसे पहनाव पहन के दिखा दिया, क्या बताएं दोस्तों, हमने तो शर्म लगती है। लेकिन कोई बात नहीं, ये जमाना टेढ़ा हो गया। भोजपुरी वालों ने एक गाना गाया था मास्टर, कि नैहर से जब ससुरा गईलू, बगल से चश्मा वाले दादा हाँ तो हाँ मौत है हमारा, नैहर से जब ससुरा गईलू Thank you.
भी हमारे वही छाया हुआ नाम बार बार लगातार वही छाया हुआ नाम यमजी जख्मी, यमजी जख्मी धूम मचाने के लिए आ चुके हैं, महफिल बैठ चुके हैं। यमजी जख्मी भैया के हाथ में लगा 21 रुपए का भेजी पुष्कर चैत भरा में कह गए। लाख लाख शुक्रिया हो भाई साहब के लिए। और जो हमारे भाई साहब के यहाँ खाना बनाने आए थे कारीगर, उनकी ओर से चैतु हरामी के लिए 10 रुपया मुंह दवा खाने के लिए दे रहे हैं। और लीजिए दोस्तों, इसी तरीके से क्या बताएं आप लोगों से, भोजपुरी वाले ऐसे ऐसे गाना गा दिया दोस्तों, अच्छे लाल बहुत सही भाई साहब, अच्छे लाल कैटर्स जो खाना बना रहे थे इन्हीं की ओर से 10 रुपया आया है दोस्तों। भोजपुरी वाले क्या बताएं आप लोगों से, अगर हमारे घर में पिक्चर कोई टीवी चलती है, हमारे टीवी बच्चे देखते हैं, तो हम घर से बाहर निकल लेते हैं, क्योंकि इतने इतने गंदे गाना आ जाते हैं कि परिवार के साथ हम देख नहीं पाते। ऐसे गाना सर है, त्यौहरा ढूंढी चकना बार, त्यौहरा ढूंढी का आशिक बार, रात भर ढीलिया ढूंढी तक। ओ भैया हमारे तो बड़ी शर्म लागत यार, हमारा आशीर्वाद लग जाए तो अगले प्रजवंशी में फिर प्रधान जी हो जाए, क्या बात है दोस्तों। तो लीजिए दोस्तों, अब चलते चलते तुम लोगों को हम एक देसी गाना सुनाते हैं, देसी गाना और देसी डांस देखिए कैसे होता है। तुम तो मास्टर कहीं अंतर घुस गए यार, लेकिन चलिए जहां पर मास्टर घुसेर दिया वही चैतू हरामी घुसने जा रहे हैं, क्योंकि हम पैदा नहीं हुए जबरदस्ती निकाले गए हैं। तो सुने कहना क्या है, यही कलयुग का पना है बिरहा, ये कलयुग जो चल रहा है इसी का बिरहा बन गया,